बैलून पॉट बनाने के लिए हमें चाहिए POP, वाइट सीमेंट, फेविकॉल, फेविक्रिल की मोल्डेड, कलर, बैलून और कुछ न्यूज़पेपर के पीसे। अब हमें जितना बड़ा पॉट चाहिए उतना बड़ा बैलून लेना है, बैलून फुला लेना है। उसके बाद न्यूज़पेपर के छोटे छोटे जो हमने पीसेस कट कर रखे थे, फेविकॉल में थोड़ा सा वाटर मिलाकर उस लिक्विड की हेल्प से जिस तरह मैं लगा रही हूँ उस तरह लगाना है। पूरे बैलून में हम एक लेयर फेविकॉल और न्यूज़पेपर के इस तरह से लगा लेंगे। फेविकॉल और वाटर का जो ये घोल है वो बहुत ज़्यादा ना तो पतला रहेगा ना बहुत ज़्यादा थिक रहेगा। एक लेयर लगाने के बाद जब वो ड्राई हो जाए तो मैं सेकंड लेयर लगा रही हूँ। और जब सेकंड लेयर ड्राई हो जाए तो उसके बाद थर्ड लेयर भी लगेगी। इस तरह लगभग एक पूरा न्यूज़पेपर लग जाता है इस पॉट को बनाने में। इतना आपको ध्यान रखना है कि जो आप बैलून ले रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हल्का बैलून आपको नहीं लेना है। सूखने के बाद मैंने बैलून को कट कर दिया है नीचे की तरफ से, इस तरह से हल्का सा दबा देंगे जिससे आपका जो पॉट है उसे एक बेस मिल जाए। अब वाइट सीमेंट को वाटर में घोल के आपको इसके अंदर डालना है और इस तरह से गोल घुमाते हुए पूरी कोटिंग कर लेनी है। ये देखिए पूरे बैलून को हमने अच्छे से कोट कर लिया है अंदर से। जब ये ड्राई हो जाए तो एक बार फिर से आपने लिक्विड डालना है। ये देखिए फिर से मैं लिक्विड डाल रही हूँ, जो भी अंदर आपके क्रैक वगैरह आ गए हैं वो अच्छे से फिल हो जाएंगे। इसको भी पूरे बैलून को गोल घुमाते हुए कोटिंग चारों तरफ कर लेनी है। उसके बाद थर्ड टाइम मैंने फिर वाइट सीमेंट डाला है। अब ये POP है, POP को मैंने वाटर के साथ मिला के एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाया है। और जो ये हमारा बैलून है इसे हल्का सा वाटर से हम वेट कर लेंगे, गीला कर लेंगे और उसके ऊपर POP की लेयर लगाएंगे। इसमें आपको 2 या 3 टाइम लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फर्स्ट टाइम पे ही लेयर अच्छे से लग जाती है, स्मूथ लग जाती है, तो आप एक बार इसे कर सकते हैं। और अगर आपको सेकंड लेयर की ज़रूरत लगती है तो आप पहली लेयर को सूखने के बाद ही सेकंड लगाएं। अब ये सूखने के बाद रेक मार्क से आप इसे स्मूथ करेंगे। अब यहाँ मैंने फेविक्रिल की मोल्डेड ली है, इसमें 2 अलग अलग पैकेट आते हैं, दोनों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद आपको जो भी डिज़ाइन बनानी है वो आप बना सकते हैं। यहाँ मैं इसी किनारी पे लगा रही हूँ क्ले। अगर आपके पास मोटी रोप है तो आप रोप लगा सकते हैं फेविकॉल के घोल में डिप करके, वो भी बहुत सुंदर लगेगी। मैंने यहाँ पर एक रोप का टेक्सचर दिया है सेंटर में। अगर आपके पास क्ले नहीं है तो आप रियल जो रोप होती है वो लगा सकते हैं। अब बारी है कलरिंग की। कलरिंग मैं फेविक्रिल से ही कर रही हूँ, फैब्रिक कलर से कर रही हूँ।
यहाँ पे मैंने ब्लू और पर्पल का शेड दिया है। रोप पर और जो ऊपर हमारी किनारी है उस पर मैं गोल्डन और येलो कलर में कलर कर रही हूँ। साइड में मैंने कुछ वर्ली आर्ट बनाई है। कंप्लीट होने के बाद ये पॉट कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।